आज का हमारा ट्यूटोरियल है कि हम टेक्स्ट को शेडो कैसे दे और कितना दे और कलर बैकग्राउंड में हम कौन सा शेडो यूज करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे शेडो क्रिएट कर किया हुआ इस टेक्स्ट का। न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे यहाँ पे, इसका बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। सॉलिड कलर लिया हमने और रेड कलर को चूज कर दिया। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे। कलर हम इसका व्हाइट चूज करेंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके ड्रॉप शेडो सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने ब्लैक नहीं रखना है, ब्लैक से ये बहुत अजीब लगेगा। हमें यहाँ पे थोड़ा डार्क रेड कलर को चूज करना है शेडो के लिए। मल्टीप्लाई रखेंगे हम यहाँ पे, डिस्टेंस को कम किया, साइज को बढ़ाएंगे थोड़ी। और एंगल को हम चेंज करेंगे और अब सिर्फ ओपेसिटी को हम कम कर देंगे यहाँ पे। तो ये शेडो आपके फॉन्ट के लिए और टेक्स्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कलर बैकग्राउंड है तो जिस कलर का बैकग्राउंड है उस कलर का डार्क शेडो यूज करिए।